वैश बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम सच में वैश है या कुछ और? वैष्णवी। वैष्णवी तो वैष्णवी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बॉलीवुड स्पाई में। वैष्णवी फिल्म आ रही है KGF 21 दिसंबर को, सो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। क्यों इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो फिल्म में यश है और वो साउथ का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। सो फैन है उनके आप? हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन यहीं पे एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी, 21 दिसंबर को जीरो फिल्म भी रिलीज हो रही है। ओ काफी ऐसा इन्होंने रिएक्शन दिया है, बेचारा शाहरुख खान देख के बोलेगा ओ आई डोंट लाइक शाहरुख खान। ओह माय गॉड। एंड यू लाइक सलमान खान एंड यश, सो आई एम गोना वॉच KGF। ओके, सो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हो? श्योर 100%। क्या जब आपने फिल्म का ट्रेलर देखा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? इट्स लाइक काइंड ऑफ बाहुबली टाइप, सो आई लाइक्ड इट, सो आई एम गोना वॉच फॉर द फर्स्ट शो ओनली। मतलब फिल्म में थ्रिलर है, सबका बाप है, लव स्टोरी एंगल सब कुछ आ गया। यस पक्का देखने जाने वाले हो? पक्का, कंफर्म। लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। थैंक यू सो मच। ऋषि बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई फिल्म आ रही है KGF 21 दिसंबर, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। क्यों? क्योंकि उसमें थ्रिलर है, एक्शन है और लव है और यश की फिल्म है। यश की फिल्म है भाई, जब मैं सुनती हूँ ना कि यश की फिल्म है, ऐसे लगता है कि कितनी मतलब उसके अंदर रौनक आ गई हो, काफी सारी चीजें निकल निकल के आ गई हो, राइट? या फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एब्सोल्युटली। क्या एक्सपेक्टेशंस है फिल्म से? लाइक बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशंस है। वी विल फील कि बहुत ज्यादा लाइक फैन आएंगे, सीटीवीटी मारेंगे। आप मारने वाले हो? लेट्स सी, अगर अच्छा लगा तो ऑफ कोर्स मारूंगा। अच्छा बाहुबली देखी थी तब सीटी मारी थी? बाहुबली एक्चुअली देखी नहीं थी। अरे बाप रे, ये पहला बंदा होगा जो बोल रहा है मैंने बाहुबली नहीं देखी, क्योंकि बाहुबली टीवी पर भी आ चुकी है। हाँ मतलब टीवी में देखी, थिएटर में नहीं देखी। तो देखी ना फिल्म? तो देखी ना। कहाँ बिजी कहाँ रहते हो जो फिल्म नहीं देख पाए बाहुबली? बिजी अभी नहीं, इतना बिजी नहीं हूँ। KGF के लिए टाइम है ना? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पक्का टिकट्स बुक हो गए? कर दूंगा अभी जाते। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सर बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है फिल्म KGF, तो इस फिल्म को लेके यानी कि कल 21 है और आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को लेके? मूवी के बारे में ऐसा है कि अगर कोई कनाडा का सुपरस्टार है तो इतनी बड़ी ब्रांड अगर इंडिया में आ रही है तो कुछ स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग लेके आई रहेगी। कनाडा का सुपरस्टार है तो अपनी ब्रांड के साथ खेलेगा नहीं, तो डेफिनेटली स्ट्रिप स्ट्रांग रहेगी। और जो डायरेक्टर का नाम है वो भी बहुत अच्छा है, पहले वो काफ़ी विलन वो सब मूवी सब कर चुका है साउथ की। मुझे लगता है मूवी बहुत अच्छा काम करेगी। मैंने सुना है कि वो इसके अंदर कुछ देर इज अ विलेजर साइड, देयर सम गाय रोमियो यू नो हु इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट बिग इन अ विलेज एंड इट्स रियली फन एंड आई एम ईगर टू वॉच द मूवी। ऐसा लगता है कि वंस अपॉन टाइम इन मुंबई की याद आ जाएगी। बता अजय देवगन का जो वो था ना रुतबा जो एक फिल्म के अंदर था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो याद आने वाला है, ऐसा लगता है आपको? और मूवी का पोस्टर लुक भी बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि जैसे अजय देवगन का चीज़ हिट हुई है, आई रियली फील दैट इट डेफिनेटली सक्सेस जाएगी। यश के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड? यस मैम, आई रियली। फर्स्ट डे फर्स्ट शो? डेफिनेटली मैम, थैंक यू। टिकट बुक हुए? यस मैम, टिकट इज बुक। PVR, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। विकी बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म आ रही है KGF, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कल फिल्म के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ डब फिल्म देखी है यश की, और ट्रेलर तो कमाल के भाई, तो ऑसम दोनों ट्रेलर, और कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, मीन्स आर्ट वही बॉलीवुड का वो मसाले से छोड़ के कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और टिकट भी बुक कर चुके हैं। लेकिन 21 दिसंबर नहीं कांटे की टक्कर की तरह लग रहा है क्योंकि फिल्म जीरो भी आ रही है शाहरुख खान की, सो एक तरफ शाहरुख खान और एक तरफ यश, तो कैसे रहेगी ये टक्कर? तो ये दो चीज़ों का वर्सेस बोल सकते हैं, जैसे एक फैन फॉलोइंग है शाहरुख खान की इधर, बट उधर आर्ट है, ठीक है। इधर जो फैन होंगे वो जीरो देखने जाएंगे, लेकिन जिनको आर्ट मूवी देखनी होगी, एक अच्छी मूवी देखनी होगी, जिनको एंटरटेन होना होगा, उसको वो KGF ही देखने जाएगा। वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई हूँ ये सुन के। थैंक यू। फर्स्ट डे फर्स्ट शो? ऑफ कोर्स, मैंने टिकट कर लिया ना, मैं दो तीन दिन देखूंगा लगातार KGF 100%। और अपने दो तीन दिन को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यश का, और ये शायद पहली फिल्म है यश की जो बॉलीवुड में रिलीज हो रही है। हाँ, डब करके हो रही है। या एंड इवन कई अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रही है, लाइक चाइनीज में भी हो रही है, जापानीज में भी हो रही है, और तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ की मूवी है। कन्नड़ की शायद ये पहली मूवी है जो बॉलीवुड में रिलीज हो रही है। दूसरे बजट भी हाई है बहुत बहुत, दो साल लगे हैं। प्लीज़ मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि सारे लोग जाके KGF देखो, क्योंकि दो साल लगे इस मूवी को बनने में भाई, बहुत मेहनत हुआ है। यहाँ पे स्टारडम नहीं, यहाँ पे टैलेंट देखने को मिलेगा, और एक कोलार गोल्ड फिल्म, मतलब नई चीज़ है ना, आप लोग जाओ एंजॉय करो।
एक बाहुबली की तरह एक नई फिल्म देखने को मिलेगी, उस बजट की, उस लेवल की, आपको एंटरटेन करेगा। Once upon time in Mumbai. Yeah, of course. याद आने वाले। उससे भी तगड़ी होने वाली है, Once upon a time in Mumbai से भी तगड़ी होने वाली, वो भी एक औसम मूवी थी, बट ये तो एकदम फाड़ू, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। या KGF अभिषेक, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई फिल्म आ रही है KGF, कल रिलीज हो रही है 25 दिसंबर, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? यार सीरियसली, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। पहली चीज़ तो ये जो छोटे बजट की मूवीज़ होती हैं, आई मीन जो दूसरी सिटीज़ में या दूसरे स्टेट्स में बनाई जाती हैं, उसको कोई किसी के साथ कंपेयर करके या किसी को कंपटीशन को लेकर अगर कोई यहाँ पर रिलीज़ करता है तो सच अ बिग थिंग। क्योंकि अगर इतने बड़े स्टार के अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्टर या फिर कोई डायरेक्टर अपनी मूवी प्रमोट कर रहा है या फिर रिलीज़ कर रहा है, तो यार ये छोटी बात तो है नहीं। और सच में यार वो डायलॉग जो है ना मूवी का, वो क्या मुंबई क्या तेरे बाप का है, नहीं नहीं तेरे बाप का है, नहीं तेरा बाप तो मैं हूँ, यार वो सीरियसली मतलब एपिक यार। और जो वाले डायलॉग को थोड़ा ठीक से करते हैं, मैं बोलती हूँ मुंबई क्या तेरे बाप का है, तो अभी आप रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? रीस्टार्ट करते हैं, ओके? मुंबई क्या तेरे बाप का है? नहीं तेरे बाप का है, क्योंकि तेरा बाप मैं हूँ। यार यार सोचने वाली बात है, मतलब आज भी मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी मूवीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज की जा रही हैं, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और देखा जाए तो शाहरुख, आमिर, सलमान, सच अ बिग स्टार्स, इनकी मूवीज भी इतने लैंग्वेजेस में रिलीज नहीं होती हैं। इवन यश जो ये टक्कर ले रहे हैं ना, एक और काफी अच्छी बात, अगर देखा जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं से एक अचीवमेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और बुक करा? डेफिनेटली, अभी जस्ट मैं ऊपर मॉल से आ रहा हूँ, बुक करके ही आ रहा हूँ यार। मतलब ये कोई पूछने वाली बात है, वो तो अच्छा हुआ आप मिल गए, अच्छा हुआ मैं मिल गई। गाइस प्लीज जरूर देखने जाओ यार, हमेशा बड़ी मूवी देखना जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटी चीजों में ज्यादा मजा है। ये भी छोटे बजट की मूवी नहीं है, 150 करोड़ इस पे खर्च किया गया, 2 साल लगे। कभी कभी छोटी चीजों में भी अलग मजा है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं 8 हमें देखने को मिल सकता है फिल्म। यस डेफिनेटली, तो आज जाने वाले लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए यार, साथ में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें बहुत अच्छी चीज मिली कि बैंगलोर से आए हुए MJ हाजी और साथ में उनके अभिषेक है, जो KGF फिल्म का बहुत ही जोर शोर से उनका प्रमोशन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से कुछ बातें करते हैं। सो आप लोग मुंबई आए हैं स्पेशली प्रमोशन के लिए, मतलब ऐसा क्या है फिल्म के अंदर जो आप प्रमोशन इतना ज्यादा हो रहा है? ये पहली मूवी है कि साउथ की मूवी हिंदी में 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। ये साउथ का बहुत बड़ा सुपरस्टार है रॉकिंग स्टार यश, इसलिए हमारे साउथ भी हमारे कर्नाटक का भी फेमस हो जाए, इसलिए ऑल ओवर इंडिया मूवी प्रमोटिंग कर रहे हैं। सो इसलिए हम भी टू व्हीलर में और यूट्यूब में देखते थे, मुंबई के लोग भी KGF से जीरो के बारे में भी कुछ ये कर रहे थे, सोचे कि एक नया एक्टिविटी लेके हम बॉलीवुड में एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा और लोगों भी कैसे हमको साथ देंगे, इसलिए ऑल इंडिया मूवी प्रमोट करें KGF का। तो जब आप मुंबई आए तो मुंबई के अंदर आपने फिल्म को जब प्रमोट किया तो आपको लोगों का रिएक्शन कैसा लगा, कैसे रिएक्ट था लोगों का? रिएक्शन तो बहुत बढ़िया है, लोग बहुत एक्साइटेड है KGF मूवी का, मूवी रिलीज हो रहे हैं, कल रिलीज हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं 0-0 ही होगा, KGF तो फाड़ देगा करके। तो जैसे कि आप लोग मतलब फैंस हैं यश के? हाँ यश के फैन भी हैं, लेकिन बहुत करीब से जानते हैं, फैन तो बहुत बड़े फैन हैं यश के, लेकिन मेरे को हर एक को फैन हो, सलमान खान का फैन हो, शाहरुख का फैन हो, मैं हर एक को एक्टर को सपोर्ट करता हूँ, हर फिल्म में भी इतना दम रहता है, लेकिन जिसमें दम रहता है वो जीतता है। तो KGF को आपने प्रमोट करने के लिए अभी तक और क्या क्या किया है और कौन कौन सी सिटी में गए हो? हम कोल्हापुर से स्टार्ट किया था, हमारा एक टैबलो व्हीकल है, टैबलो व्हीकल लेके हम कॉलेज को जाके उनको स्टूडेंट्स को गैदर करके हमारा गाड़ी के सामने आइए करके खड़ा करके हाँ। उनको ट्रेलर दिखा के कुछ क्वेश्चंस पूछ के हमारे टीम के तरफ से गिफ्ट दे देते। अरे वाह, तो फिर कुछ सवाल हमारे साथ भी हो जाए, क्या सवाल है आपके? सवाल यही तो रहता है, डायरेक्टर का नाम कौन बोलता है, डायलॉग कौन बोलता है, और स्पेशली ये डायलॉग बोलते हैं कि जो अच्छा से बात करता है फिल्म के लिए, जो अच्छा रिस्पॉन्स देता है, और उसको ये भी पूछते हैं आपके लाइफ के बारे में पूछते हैं, और स्पेशली फिल्म के बारे में, आप इससे पहले रॉकिंग स्टार की फिल्म कौन से देखा और अभी ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर में क्या अच्छा लगा, आपकी पसंद क्या है, आपकी क्या चॉइस है, क्यों फिल्म देखने जाओगे, इसलिए क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं इसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ नया तरीके से है, एक कोलर गोल्ड फील्ड का और मुंबई अंडरवर्ल्ड का, इसका एक अच्छा मैसेजिंग है बोल के लोग देखने जाते हैं, और ये तो बहुत बड़े मूवी है, क्योंकि हम भी मूवी के लोग बोल रहे हैं जीरो भी अच्छी भागे और KGF भी अच्छी जाए।
आप लोगों ने कुछ काम किया है केजीएफ फिल्म में या मतलब सिर्फ आप लोग प्रमोशन के लिए? नहीं, प्रमोशन के लिए है। प्रमोशन के लिए आप लोगों के लिए कुछ, मतलब हर जगह पे एक फैन क्लब होता है, तो आप लोगों की तरफ से जो यश का फैन क्लब है वो क्या क्या चीजें और करने वाले? टिकट्स के रिगार्डिंग कुछ आप लोग करने वाले हो? उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, अभी पता चलेगा एक घंटे के बाद हमको। हम एक मॉल गए थे, वहाँ पे तो केजीएफ का जीरो से ज़्यादा केजीएफ के टिकिंग बहुत सोल्ड हो रहे हैं। 100% भी केजीएफ के पूरा दौड़ रहा है कन्नड़ तमिल में। जीरो का 10% कुछ था, केजीएफ का दौड़ रहा था, लेकिन मुझे लगता है केजीएफ सबको फाड़ देगा। सो अभिषेक, सबसे अच्छा रिएक्शन आपको कहाँ से मिला? जहाँ से जाने के बाद में आपको मतलब एकदम खुशी हो गई हो यार, कि लगा कि मेहनत मेरी कहीं ना कहीं रंग ला रही है, वो सबसे अच्छा रिएक्शन कहाँ से मिला? हाँ, एक्चुअली हम तो कोल्हापुर से स्टार्ट किया था, कोल्हापुर, मिरज, सांगली, सातारा, कराड़, पलटन में तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था। बहुत अच्छा क्या किया लोगों ने, क्या रिएक्शन? केजीएफ करके बुला रहे थे जब हम वीडियो कर रहे थे। हाँ, जब हम ट्रेलर दिखाया लोगों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फाड़ देगा, फाड़ू है। तो लड़कियों फैंस मिले यश की? बहुत सारे मिले, बोलते कि मैं यश की बहुत बड़ी फैन हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ, एक बार हक करना चाहती हूँ, एक बार किस करना चाहती हूँ, हर एक लड़की चिल्ला चिल्ला के बोलती है। स्पेशली और सोलापुर में भी बहुत बड़े फैंस है, सोलापुर में 80% यश के बहुत बड़े फैन है। हमको भी देखकर बहुत खुशी लगी यार, हमारे यश के भी ऑल ओवर इंडिया में फैंस है, एक जानकर बहुत खुशी लगा। और सबसे ज़्यादा यश के फैंस मिलते हैं हमें, जैसा मुंबई है, ये भाईंदर में भी फैंस है, और जो बांद्रा है ना, बांद्रा के अंदर वेस्ट है ना, जो क्या बोलते हैं, हाँ, बैंडस्टैंड, वहाँ पे भी बहुत फैंस है। क्या बात है। तो जब आप लोग मुंबई आए, अभी आप यहाँ पे मेरे को मिले हैं, तो यहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का? यहाँ पे हम जस्ट विजिटिंग पिक लेने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। केजीएफ तो कल रिलीज होगा, कैसा लगा पूरा मुंबई? बहुत, मुंबई के लोग फाड़ू। स्पेशली मैं भी मुंबई का ही हूँ। अच्छा। लेकिन मैं बड़ा पला कर्नाटक में हूँ, जन्म हुआ है मुंबई में, लेकिन बड़ा पला कर्नाटक में, भाईंदर से हूँ। अच्छा, और आप? मैं कर्नाटक की हूँ, धारवाड़। स्पेशली प्रमोशन के लिए आए हैं? प्रमोशन के लिए आए हैं। भाई इसे कहते हैं गट्स, जो मतलब फिल्म को प्रमोट करने के लिए बैंगलोर से यहाँ तक आए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ट्रेलर दिखा रहे हैं, और साथ में एक्साइटमेंट और ज़्यादा लोगों की बढ़ा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। कन्नड़ में एक डायलॉग आता है, ये दिल कली दोन गदला अंटल वो, इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मुझे और मेरी जनता को पता नहीं समझ में। ये डायलॉग होता है कि जिस दिल में पत्थर रहता है वो किसी को छू नहीं जाता है, सच्चा दिल होता है तो उनको दिल को छू जाता है। ओह माय गॉड। और इसी तरह बोलते हैं कि हर एक आदमी ऐसे सपोर्ट करते रहे, और जीरो भी देखे और केजे भी देखे, और बहुत सारी मूवी आते रहते हैं, हर एक को सपोर्ट करे, क्योंकि हर एक की जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री चलती है, लोगों की, उनको सपोर्ट करे, प्यार का आपका ऐसा ही आशीर्वाद रहे, हमेशा हम भी साथ देंगे, आप भी साथ दो। लेकिन एक आदमी को गिराने से कोई आगे नहीं बढ़ता, उनको लेकर आगे चलते रहेंगे तो एक आदमी भी बढ़ सकते हैं। यही शुभकामनाएं, सब लोग साथ दो, ऑल द बेस्ट केजे एंड जीरो। थैंक यू सो मच। 260 ये मैं दिखाना चाहूंगी कि ये रिएक्शन इन्होंने जो है वो नोट किया है। रिएक्शन देखिए, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं यार प्रमोशन के लिए। वाओ, 246K और केजीएफ 251K। वाओ, मतलब कहते हैं लोगों की जो मेहनत है ना वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आ रही है, और हम लोग सच में दिल से चाहते हैं कि केजीएफ फिल्म जो है सुपर डुपर हिट जाए फिल्म। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड स्पाई के साथ में बात करने का। थैंक यू सो मच। मैं भी आपकी इसी तरह आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहूँगा, आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में मुंबई में आप लोगों से पूछताछ कर रहे हो, तो आपको स्पेशली जीरो वर्सेस केजीएफ आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि जब मैंने कहते ना, एक अगर आप आर्ट को देखते हो, शाहरुख खान जो है एक ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो वो चलते आ रहे हैं, आप उनको कहीं पे भी मतलब आउट ऑफ इंडिया भी अगर जानेंगे तो उनको बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, मानते हैं उनकी स्टोरी। DDLG सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है हर एक फिल्म में, उन एक ब्रांड के तरह से जाने जाते हैं। लेकिन यश का आना और इंडिया में सब जगह पे अपनी फिल्म को रिलीज़ करना, ये काफ़ी टक्कर की बात है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, लोगों की एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने देख ही ली है, कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट है, KGF लोग चिल्ला रहे हैं। भाई आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखने जाइएगा, और बने रहिए मेरे साथ में सभी अपडेट्स के लिए। कहाँ पर? बॉलीवुड स्पाई में।